हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रफल या झालर बनाना सीखेंगे। जो मैंने अपने जो बेबी का स्वेटर एक बनाया था फ्रॉक, उसमें इस्तेमाल किया था इसका, तो वो डार्क कलर में, इसलिए बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं ये लाइट कलर में बना के दिखा रही हूँ। ये एक 10 स्टिच का रिपीट पैटर्न है, और इसे अगर हम 10 फंदे लेते हैं तो ये आपको ऊपर जाके फिर ये 6 फंदे बन जाता है, मतलब 10 फंदे के 6 फंदे हो जाते हैं। तो अपने जितने आपको स्वेटर में चाहिए या फ्रॉक में, उसी हिसाब से आदमी फंदे लेंगे कि वो 10 के फंदे घट के फिर 6 हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ आपको 30 फंदे लिए हैं, 30 फंदे और 2 फंदे किनारे के एज स्टिच के, और इस तरह हमारे इसमें 3 रफल बनेगा। तो मैंने क्या किया है कि 32 फंदे मैंने कास्ट किए हैं, और उसमें एक एज स्टिच छोड़ के बना लिया है कि इसमें रिपीट पैटर्न है, 2 उल्टे 6 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर उसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे, 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह करके हमारा ये इस तरह बन जाएगा। और मैंने इसे 6 कांटे बुन लिए हैं, तो 6 कांटे बुनने के बाद तब इसमें रफल डलता है 2 कांटे में, तो मैं बताती हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपका बीच का जो ये पैटर्न है, जो सीधा वाला फंदा है, इसका रफल बनेगा, और ये जो आपके जो उल्टे वाले फंदे हैं, ये आपको घट जाता है, तब ये इसमें घटा दिया था। तो हम बिनते हैं, पहला जो इसमें जो रफल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताते हैं। एक इस साइड रफल बनेगा, एक इस साइड। तो उसमें क्या हुआ कि, तो देखिए, तो वो एज स्टिच है उसको मैंने उतार लिया, उतारने के बाद ये उल्टा है, इसको भी उतार लिया, और यहाँ पे जो 2 फंदे हैं इसको हम राइट ट्विस्ट करेंगे, यानी कि इसको दोनों को उतारेंगे और ये इस पर चढ़ा लेंगे, और ये इस पे चढ़ा के फिर वापस इसी पर ले आएंगे, फिर ये वाला भी वापस हम चढ़ा देंगे। तो मैंने जैसे बनाया था वैसे ही आ गए पूरे फंदे। अब क्या करेंगे, ये दोनों फंदे को, एक सीधा एक उल्टे को, एक साथ बीनेंगे, और फिर ये सीधा ये उल्टा को एक साथ बीनेंगे। हमारे ये दोनों फंदा घट गया इधर का, फिर 2 फंदे हम सीधे बीनेंगे। अब यहाँ पे फिर हम इधर का रफल बनेगा 4 फंदे के हिसाब से, तो ये एक फंदा उतारेंगे और इसको हम लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, यानी ये वाले फंदे इधर और ये वाले फंदे इधर लेफ्ट साइड, ऐसे करके उतारेंगे और ये इधर, फिर इसको वापस उतारेंगे और इसको वापस उतारेंगे। अब वही इसी तरह हमें 2-2 फंदे एक साथ बिनने हैं। तो इधर साइड के लिए बिनने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे, फिर ऐसे उतारेंगे, और ये दोनों को वापस इसको उतार के फिर इसको बिन लेंगे। इसी तरह हम इसमें करेंगे, इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे, फिर ये दोनों ये करेंगे, फिर दोनों से दोनों को एक कर लेंगे। तो ये हमारा एक रफल बन गया, यानी दोनों साइड के आपके एक एक फंदे जो हुए, 2-2 फंदे आपके घट गए। अब फिर ये दूसरा रफल बनेगा, तो हम उसी तरह बनाते हैं, इसको हम उतार लेंगे और इसको हम राइट ट्विस्ट करेंगे, तो इसको उतार के इसको इस पे चढ़ा लेंगे और फिर इसको भी वापस चढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, वही 2 फंदों को एक साथ बिनना है, ये दोनों को एक साथ बिन लिया और फिर ये दोनों फंदों को एक साथ बिन लिया। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो है रफल बन गया, ये आपके बीच के जो 4 फंदे थे ये गायब हो गए, और ये पूरा सीधा सीधा आपका आ जाएगा। फिर 2 बिनेंगे, फिर हमें इस साइड वाला एंड साइड वाला रफल बनाना है, तो इसे फिर हम इसे उतार लेंगे, फिर इसको हम ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट ट्विस्ट, इसको करके और इसको ऐसे उतार लेंगे
फिर इसको भी वापस उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें ये दो दो फंदे एक साथ बनाने हैं, तो इसको ऐसे से उतारा, इसको ऐसे उतारा, फिर ये दोनों को एक साथ करके इससे बिन लिया, इसको भी इस तरह उतारा, इसको इस तरह उतारा, फिर ये दोनों फंदे लेके एक साथ उतार लिए ना। फिर हमारा ये दूसरा रफल बन गया। फिर अब हमें तीसरा बनाना है, तो तीसरा बनाने के लिए भी इस तरह हमारा जितने भी उल्टे वाले फंदे थे सब खत्म हो गए, अब सबसे सीधा बच गया। इस साइड से हम क्या करते हैं, या तो ऐसे ही छोड़ दें या इसको पूरा सीधा बिन लेंगे, तो ये एक ऊपर से मोती टाइप का टेक्सचर आ जाता है। और हमारे 10 फंदे के 6 हो गए, यानी 6 फंदे के रफल हो गए 3 और 18, और बाकी 2 बाजू के जो एज स्टिच था, यानी इसमें हमको अब टोटल 20 स्टिच हो गए। तो इधर हम पूरा सीधा बिन लेंगे। आठवां रोज होगा हमारा, तो देखिए तो इस तरह ये रफल बन जाता है। और ये हमारे अब ऊपर से जैसे आपको डिज़ाइन बिनना है, या आप स्वेटर के नीचे डाल सकते हैं, या आस्तीन में भी इस तरह का बना के डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने। और ये आगे से इस तरह का दिख रहा है और पीछे से इस तरह का दिखता है। देखिए इस तरह का रफल हम अपने फ्रॉक के नीचे या कार्ड इसमें स्वेटर में नीचे या फिर आस्तीन वगैरह में डाल सकते हैं।